أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا پیاری بہنوں کیسے ہیں آپ اللہ سبحانه وتعالى سے بہت ساری کہ تعالى دين اور پر ثابت قدم رکھے. और अल्लाह ताला नेकियों के मौाक़े देता रहे लेकिन इल्म के दरवाज़े कभी भी हम पर ना बंद करें क्योंकि इल्म के दरवाज़ों के साथ नेकियां करनी आसान हो जाती हैं इल्म के बग़ैर नेकियां मुश्किल होती हैं इंसान अपना वक्त अपना पैसा अपनी सलाहियत को ज़ाया करता है ऐसे वक्त ऐसे काम में खपाता है जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होता समझता है कि ये फ़ायदे की चीज़ है लेकिन वो फ़ायदे की चीज़ नहीं होती और इल्म क्या करता है रोशनी कर देता है और उसको हकीकत बता देता है कि कौन सी असल में फ़ायदे की चीज़ है ठीक है मेरी प्यारी बहनों चले इन श्ल्लह हमारे लिए आ, ये दुआ आसान कर दे हर दफ़ा ये हर वक्त ये दुआ मांगा करें रब जितनी आलम रब भी जितनी जो दुआ, दुआ अल्लाह के नबी सल वसम को अल्लाह सुबहान सिखाई है वो हम क्यों नहीं मांगेंगे ठीक है ना جلي إن شاء الله ہیں نحمد هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما امين اج ہم سورہ ال عمران نمبر 172 سے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين وہ मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्लादीन इसम मौसूला होता है एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ता है एक बात को दूसरी बात से जोड़ता है तो इसलिए इसको कहते हैं वसल वाला इसम ठीक है ना मौसूला जिसको जोड़ा जाए तो अल्ला दीना वो लोग इस तजावू इस तजावू जौब से जीम व उबा से जैसे आप जवाब देना कहते हैं ना तो इसत का मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल कर लेना लब्बैक कहना जिन्होंने लबैक कही जिन्होंने आगे बढ़कर हाँ में जवाब दिया किसको को लाही अल्लाह के लिए रसूली और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुमबादी बाद इसके के माँ जो हम पहुँचा उनको स्वाद व बा इसका रूट लेटर है पहुँचा उनको क्या अल्क़र तकलीफ़ ज़म्म लिल्लदीना वास्ते उन लोगों के एहसनु जिन्होंने एहसान किया खास नून से है मिन हम उन में से व जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वाव काफिया से है ये उनके लिए क्या है अजर अज़ीम उनके लिए बहुत बड़ा अजर है अजर अजर और अज़ीम का मतलब बड़ा ठीक है तीना वो लोग काला कहा लहुम उनको अन्नासु लोगों ने इन्न नासा बेशक लोग कद तहक़ीक जमाऊ जमा हो गए हैं लकुम तुम्हारे लिए फ़ख्श हम तो डरो उनसे ख़्वाशन यासे फजात हम तो ज़्यादा बढ़ गए वो ईमानन ईमान में वक़ालू और उन्होंने कहा अल्लाह हसबु का मतलब है काफ़ी है ना हमको अल्लाह अल्लाह व अन्य अल्ला और कितना ही अच्छा वकील वो कारसाज़ है कितना अच्छा कारसाज है फ़न कलबो तो पलटे कौफ लामबास है कल्ब का मतलब होता है पलटना तो वो पलटे बे नाम साथ नमत के मीनाल अल्ला की तरफ से व فضل और फ़जल के फ़ल किस को कहते हैं एक्स्ट्रा बाउंडी को यानि जो बंदा डिज़र्व ना भी कर रो उसको वो और दिया जाए फ़ल के लमयम सस हम नहीं छुई उनको सू उन कोई बुराई कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची उनको व तबाऊ और वो पलटे तब आइन से है इतबाए रसूल कहते हैं ना हम इसका क्या मतलब होता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना सो वो पलटे उन्होंने पैरवी की किस चीज़ की रिदवान अल्लाह अल्लाह की रज़ा की वल्लु और अल्लाह तू वाला है जू का मतलब होता है वाला जू फ़ज़लिन फजल वाला है और कैसा फ़जल है उसका अजीम बहुत बड़ा बहुत बड़े फजल वाला है अल्लाह अच्छा, ये आयत भी जंग उहद के कॉन्टेक्स्ट में है ठीक है ना और इसमें अल्लाह सुबहान कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने सदमा पहुंचने के बाद भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा उनमें से जो लोग नेक किरदार और परहेज़गार हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है ये वो लोग हैं कि जब लोगों ने उनसे कहा कि लोगों ने तुम्हारे मुकाबले में बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया लिहाजा उनसे बच जाओ उनसे डरो तो इनका ईमान और भी ज़्यादा हो गया और कहने लगे हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसास है ये लोग अल्लाह के फजल और उसकी नियमत हासिल करके वापस आए और उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँची वो अल्लाह की रज़ा के पीछे लगे रहे और अल्लाह बहुत बड़े फ़जल वाला है अच्छा अब क्या हुआ कि जंग ओहद में अबू सुफियान अपनी फ़ौज लेकर वापस पलटा जब और मुसलमान शहीद भी हुए सत्तर मुसलमान शहीद हो गए हर घर में तो अजीत थी तकलीफ़ थी दुख था और आ, बीमारी भी थी ज़ाहिर ज़ख़म लगे हों तो बुखार चढ़ जाता है और इंसान तकलीफ़ में होता है दुख और ज़खम सब इकट्ठे हो गए उस वक्त में रसूल अलैहि वसल्लम ने अगले ही दिन ये सोचा कि कहीं अबू सुफियान दोबारा पलट के ना आ जाए ये सोच के कि काम पूरा नहीं किया लिहाजा हमें निकलना चाहिए और रोप डालने के लिए यानी उनका पीछा करना चाहिए तो उस वक्त अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि हमने निकलना है अब जरा सा आप ये सोच लें कि क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन में राइट नेक्स्ट डे वसल्लम के दांत शहीद हुए में उनके गाल में ज़ख्म लगा हुआ है खून कितना ज़ाया हो गया था और मुसलमानों को इस चीज़ का बहुत गम था कि रसोल्ला वसल्लम हमारी वजह से तकलीफ़ उठाई वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें एक दिन में इकट्ठी हो गई थी लेकिन उससे अगले ही दिन रसूल अलैहि वसल्लम ने निकलने का ऐलान किया तो सत्तर आदमी हज़रत की रिवायत के मुताबिक सत्तर आदमी अबू अबूसुफियान के तकुब के लिए तैयार हुए इनमें अबू बकर रद्ल त और जुबैर पे नवाम रतल तुम भी शामिल थे ये सब लोग निकले और जब निकले तो उन काफिरों के ऊपर रो पड़ गया मुसलमानों का और वो वहाँ से भाग गए और कोई भी पलट के नहीं आया मुसलमानों को उनका कॉन्फिडेंस वापस मिल गया मुसलमानों को ये तसली हो गई हमने रसूल सल वसम की बात मानी मुश्किल वक्त में एक दिल को ढारस हो जाती है ना कि चलो नाफरमानी की थी लेकिन अब फरमाबरदारी भी कर दी है और साथ ही में ऐसा हुआ कि रास्ते में उनको एक तिजारती काफ़िला भी मिल गया और उनसे उन्होंने चीज़ें एक्सचेंज की नई चीज़ें ख़रीदी कपड़े लिए और उनको अल्लाह ताला की नेमत और अल्लाह ताली का फ़ज़ल भी मिला जंग भी नहीं हुई रसूल अल्लाह सल वसलम की फरमाबरदारी भी हो गई अल्लाह तला का हुक्म भी मान लिया यानी एक ऐसा दिल खुल गया और खुश हो गया कि वो सारी तकलीफ़ें जो कल के दिन में उठाई हुई थी वो धीमी हो गई और ख़ुशी जो है वो बढ़ गई और कॉन्फिडेंस मिल गया अब ये बात एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए अगर हम इससे सबक हासिल करना चाहते हैं कि देखिए ज़रा सी हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम बहुत मुश्किल से हम इंतज़ार कर रहे थे कोई दर्स आने लगा है कोई क्लास शुरू होने लगी है कोई चीज़ होने लगे और हम बड़े इरादे के साथ बैठे होते हैं हल्की सी तकलीफ पहुंचती है हल्की सी तो हम कहते हैं बस नहीं हम नहीं जा सकते हम नहीं जा सकते ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल है हम ये काम नहीं कर सकते और हम आ, वो रास्ता छोड़ने के लिए बस तैयार बैठे होते हैं एज पे बैठे होते हैं कि हल्का सा झटका लगा तो हम छोड़ने को तैयार हैं और यहां पर मुसलमानों ने इतनी तकलीफ इतनी मुसीबत इतने दुख के बावजूद जब रसूल ने कह दिया कि उठो तो कोई लंगड़ाता चल रहा होगा जस्ट इमेजिन किस तरीके से चल रहे होंगे क्या जिसम की हालत होगी रसूल वसम की अपनी हालत क्या थी लेकिन उसके बावजूद अपने घरों से अल्लाह की खातिर निकले कि एक दफा ही रोब डाल दें उनके ऊपर तो फिर तसली के साथ अपने घर में आके बैठेंगे और ऐसा हुआ और ऐसे तकलीफ़ के वक्त में या खौफ के वक्त में लोग और ज़्यादा डराने लग जाते हैं अगर तुम चली गई तुम कहीं और ज़्यादा बीमार ना हो जाओ पीछे ये ना हो जाए वो ना हो जाए लोग अल्लाह के रास्ते पर चलने से डराते हैं क्योंकि वो ख़ुद नहीं चल रहे होते तो उनका दिल होता है कि कोई और भी ना चले तो हम सब एक ही कश्ती के सवार हो जाए तो जब कोई ऐसे डराए और आपका अज़म बहुत मजबूत हो तो आप डरने के बजाय क्या कहेंगे अल्लाह हसब्न वकील अल्लाह के रास्ते में जा रही हूँ तो अल्लाह ताला अगर मेरा साथी है तो फिर कौन दुनिया की चीज़ मुझे नुकसान पहुँचा सकती है अगर अल्लाह ताला मेरा हिफाजत कर रहा है तो मुझे किसी चीज़ का डर क्यों होगा और ये कलमा जो है ना सैदन आब्बाश इबनबादी ताली उन्होंने रिवायत है कि जब सैदन इब्राहीम को आग में डाला गया तो उन्होंने यही कलमा कहा था हसपून अल्लामकील और यही कलमा मुसलमानों ने कहा जब उनको डराया गया कि अबू सुफियान ने तो बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठी कर, कर ली है क्योंकि अबू अबूसुफियान जो था ना उस वक्त डर गया था और उसने कहा कि आ, कहत भी आया हुआ है मक्का में तो हम जा नहीं सकते तो उसने ये तदबीर सोची थी कि एक शख्स नईम बिन मसूद को मदीना में भेजा और उसकी ये ड्यूटी लगा दी कि सब तरफ ये ख़बर मशहूर कर दो कि किश ने इस दफ़ा ऐसी फ़ौज कट्ठी किया मुसलमानों के लिए कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो जब उसने ये ख़बर मशहूर की तो मुसलमानों ने आगे से क्या कहा हसबन अल्लामकल और उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ गया कि मरना ही अल्लाह के रास्ते में तो अच्छे से जान लगा के मरेंगे और कोई भी नहीं डरा सही बात है ना तो और जब वो निकले भी तो फिर क्या हुआ काफले से खूब ख़रीदारी करके और ख़ुशियों के साथ और दुश्मन पर रोब डाल कर वापस आए सो हमेशा ज़िंदगी में ये सिचुएशंस आती रहती हैं डिफरेंट तरीक़े की मुश्किलें होती हैं लेकिन खौफ सर पर ज़रूर सवार होता है किसी ना किसी चीज़ के लिए अब आप देखें कि कोई ज़रा सा खौफ हो तो हम नमाज ही छोड़ बैठते हैं नमाज ही को भूल जाते हैं और इधर उधर हाथ पैर मारने लग जाते हैं अपनी हिफाजत के लिए उस वक्त क्या करना चाहिए नमाज़ पढ़ें अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मज़बूत करें कहिए हसबनवकील अल्लाह व न्यार नसीर सबसे पहले मुश्किल में जिस ज़ात की तरफ हमको तवज्जो देनी होती है और जिस ज़ात की तरफ पलटना होता है वो अल्लाह की जात है बजाय इसके हम सारी दुनिया को ट्राई कर लेते हैं और जब सब कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं फिर नमाज की तरफ वापस पलटते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रागिब हों सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो तो दें कि अल्लाह तआला हमारा मालिक है हमारा खालिक है हमारा प्रोटेक्टर है वो हमें हर मुसीबत हर परेशानी हर दुश्मन से बचा सकता है हमें अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए बजाय इसके कि इधर उधर हाथ पैर मारते रहें और लोगों से मायूस होने के बाद फिर अल्लाह ताला से बात करें ठीक है ना मेरी प्यारी बहनों और दीन के रास्ते में मुश्किलें परेशानियां तो आएंगी ही हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला ने उन्होंने क्या कहा था जब उनके मालिक ने कहा था कि क्यों नहीं तुम कह देते हो जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम कितने बेवकूफ़ हो अगर तुम सिर्फ ज़ुबान से भी कह दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो हज़रत बिलाल ने क्या कहा था कि तुम दो टके का बर्तन मट्टी का लेते हो उसको भी ठोक बजा कर देख रहे होते हो कि ये हमारे पैसे के मुताबिक सही है या नहीं तो क्या मेरा रब मुझे ठोक बजा के नहीं देखेगा कि मैं असल में इखलास के साथ उसका हूँ या नहीं हूँ तो एक दफ़ा जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा था ना कि यार रसुल्ला सल्लम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो रसोल्ला सल्लम ने फरमाया था कि फिर इम्तहान के लिए तैयार हो जाओ <laughs> इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी खोट पटक निकलेगी तुम्हारे अंदर जो गंद वाला होगा वो निकल जाएगा ऐसी आजमाइश आएगी कि फिर खालिद मोहब्बत करने वाले तो कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं फिर तो आपको इतबा रसूल करना होगा फिर आपको जैसे अल्लाह के रसूल की बातें थी वैसी बातें करनी होंगी वैसी कुर्बानियाँ देनी होंगी दिन के लिए काम करना होगा और उसके लिए खालिश होना बहुत ज़रूरी है गंद बला से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है तो फिर आजमाइें आएंगी और उनके बीच में इंसान की सफाई हो जाती है और इंसान के अखलास का पता चल जाता है कि वाकई जो कह रहा है वो सच है या फिर ये सिर्फ दावा है हुँ? इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में आप डर जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुश हो जाएं कि जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाती है तो दीन के रास्ते आसान हो जाते हैं अल्लाह ताली की रिजवान हमारे लिए खुल जाती है और हम साफ़ सुथरे होने शुरू हो जाते हैं हमारे में से कौन है जिसको सफ़ाई सुथराई नहीं अच्छी लगती बताएं मुझे कौन सा बंदा है जो गंदा रहना पसंद करता है कोई भी नहीं हर एक को दिल करता है ना कि वो साफ हो लेकिन जब अखलाक की सफाई या नफ्स की सफ़ाई की बात आती है तो हम डर जाते हैं हाई कहीं हमें बदलना ही ना पड़ जाए तो वो सफाई वो जो इम्तहान होते हैं ना जो आते हैं वो सफाई कर रहे होते हैं हमारे अंदर की हम से हमारे अंदर से झूठ को निकाल रहे होते हैं धोखे को निकाल रहे होते हैं रियाकारी को निकाल रहे निकाल रहे होते हैं और हमारा अंदर साफ सुथरा हो जाता है जैसे चमचम -चम करता है ना घर आप उसकी सफाई करते हैं तो चमचम -चम करने लग जाते हैं लेकिन उसकी सफ़ाई में आप क्या बैठे बैठे इशारे कर रहे होते हैं कि टेंग ये भी सफाई हो जाए टेंग वो सफाई हो जाए ऐसी कोई औरत है तो बटन दब रहे होते हैं नहीं बल्कि आपका जान का जोर लग रहा होता है आप सोच रहे होते हैं आप अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं आप अपना वक्त अपनी आ, हिम्मत लगा रहे होते हैं ठीक है ना तो आजमाइश का मतलब ये है कि उसमें आपको अपने नफ्स की सफाई के लिए हिम्मत से काम लेना होता है अपने आप को बदलना होता है चेंज करना होता है अपने अंदर से बुरी आदतें निकालनी होती हैं अच्छी आदतों को अपने अंदर रासिक करना होता है ठीक है ना चले अल्लाह सुबहान तआला हम सब के लिए दीन में आसानी करे क्योंकि हमारा इधर आने का मकसद ही अल्लाह सुबहान तआला को राज़ी करना है और अल्लाह को राज़ी करने का एक ही रास्ता है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनका इत्तबा और जब हम ये करेंगे तो हम दुनिया और आखरत दोनों में सुरखरू होंगे यहाँ पर अल्लाह ताला की बात मानने से सिर्फ इम्तहान ही नहीं आते बल्कि इज्जत भी मिलती है जी हाँ ये बैज ऑफ ऑनर जो होता है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो इज्जत मिलती है और लोगों के दिलों के अंदर रोब होता है और लोग एहतराम करते हैं वो आप पैसों से ख़रीद नहीं सकते अगर पैसों से इज़्ज़त ख़रीदनी होती फिर तो बड़े बड़े मालदार कारून और फिरौन लोगों के दिल जीत लेते और आज तक हम उनको याद करते लेकिन हम किन को याद करते हैं सहाबा कराम को याद करते हैं पैगंबरों को याद करते हैं जिन्होंने हमें कोई पैसा तो नहीं पे किया लेकिन उनकी मोहब्बत अल्लाह सुबहान ने हमारे दिलों में डाली है तो मोहब्बत और एहतराम जो है वो ख़रीद नहीं सकता इंसान वो अल्लाह सुबहान डालता है और वो प्राइसलेस चीज़ होती है उसकी कोई कीमत तो इसका कोई टैग नहीं है प्राइस टैग नहीं है और उसकी कीमत अगर करनी है तो वो नेकियों की सूरत में अखलास की सूरत में अल्लाह तला की रज़ा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने की सूरत में होती है वो दुनिया के नोटों की सूरत में नहीं होती ठीक है ना प्यारी बहनों तो हमें तो यही चाहिए कि दुनिया और आख़रत में अल्लाह तला हमको इज़्ज़त वाला करे हम्म? उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह की खातिर अपने नफ्स की कुर्बानी दी जाए ये बड़ी कुर्बानी है लेकिन ये मुश्किल या नामुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ये पैगंबर और साहबा रदी अल्लाहम यह क़ुरबानियाँ दे के हमें दिखा के जा चुके हैं कि ये काम पॉसिबल है ठीक है मेरी प्यारी बहनों चलिए अल्लाह ताला से दुआ करें अल्ला नसल का ईमानल्लाईम्ल मराफ़त महम्मदिन सल्ह वसलम फ़िया जन्नत खुलद آمين بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته